राम राम जी। तो मैं कपड़े धोने लगी थी और कपड़े झाड़ू लगा ली है और राख मैंने उठा ली है, अभी चूल्हा बहुत ना रह रहा है और उसके पास मैंने रख दिया है। और वीडियो की फिर मुझे दुख नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो, पहले हम छोटी छोटी क्लिप लेते थे, अब मैं वीडियो बनाती रहूँगी जितना आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि हमें फिर ऐसे फील नहीं होगा कि हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। जो आपको पसंद आए वो आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल भी नहीं कहूँगी नहीं मेरी वीडियो देखनी ही है, वीडियो शेयर ही करनी है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हो। और छत पे पूरी पी झाड़ू लग चुकी है और अभी बहुत का सारा प्रोसेस बचा हुआ है, ये देखिए। ऐसे ही मैंने झाड़ू लगा के और कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है और कपड़े धुल रहे हैं पीछे, और अभी कपड़े धोते धोते याद आया और जुगाड़ लगाऊंगी और ऐसे ऐसे कैमरा सेट करना पड़ेगा। ईट है, ईट उठा रही हूँ और बहुत जल्द खांसी हो गई और कैमरा सेट करूँगी मैं ऐसे, ठीक है जी। देख लूँ मैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो ठीक है जी, तो फिर थोड़ी सी क्लिप मैं वो काट दूँगी। तो हाँ जी, मैं अब वॉइस ओवर करूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो मैं बोल नहीं सकती, जब कपड़े धो रही थी तो कैमरा मैंने सेट कर दिया था। और मैं आप सबको बता रही हूँ कि बाद में आ गई थी हिमांशी, जहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया था वहाँ से अंधेरा आ रहा था क्योंकि मैं परछाई में बैठी हुई थी। तो ये एक मतलब वीडियो है जो बुधवार को वीडियो आया था, बुधवार का वीडियो है ये, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। उस दिन शूट हो ही गया था, नहीं मेरे पास बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास कोई व्लॉग एक्स्ट्रा पड़ा हो, नहीं तो करंट में ही आता है। जैसे शाम को बनाया और सुबह चला गया, किसी कभी कभी ऐसा होता है सुबह भी बनाया जल्दीबाजी में और फिर चला गया। ये तो शूट हो ही गया था और थोड़ा थोड़ा ही शूट करते हैं, क्योंकि आप सबको भी पता है कि कपड़ों में तो बहुत टाइम लग गया था, ऐसे सभी काम में टाइम लगता है। और आज है होली और होली के भी इन वीडियोस आएंगे सभी, और सभी अपना भरपूर प्यार देना वीडियो पे, और वीडियो आते रहेंगे। अभी कल होली पूजन का आएगा, फिर होली का आएगा, और इसी तरह से जिस तरह से आप मुझे ढेर सारा प्यार देते हो इसी तरह प्यार देते रहिए। कई बार मैं भी डिमोटिवेट इसलिए हो जाती हूँ कि सब पूछने लगते हैं कि, और देखो वो मुझे प्यार ही करते हैं तो कहते हैं कि दीदी तुम्हारे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। और कुछ कहते हैं तुम्हारे पहले अच्छे खासे व्यूज़ थे भाभी, कल किसी ने पूछा, दीदी भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, मतलब जिनकी भाभी लगती हूँ वो हर तरीके से अपने ही होते हैं, जिन्हें टेंशन होती है तुम्हारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मतलब जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें टेंशन होती है। कोई बात नहीं, पर वीडियो में आप इसी तरह बने रहिए और आगे का भी रूटीन दिखाऊंगी क्या करती हूँ, जितना थोड़ा बहुत मुझसे सूट होगा इतना करूँगी, नहीं वीडियो तो बहुत बड़ा। आज मैं बिल्कुल अलग वीडियो बना रही हूँ और कपड़े धुल चुके हैं और अभी बाल्टी भर रही है, तो जब तक हम चूल्हा पोत लेते हैं, ठीक है जी। लो आप सबके साथ भी ये देखिए, ऐसे होगा नहीं तो मैं आप सबको आपके सबके साथ थोड़ा सा ही शेयर करूँ, क्योंकि दोनों हाथ ही लगेंगे मेरे तो। और बाल्टी भर रही है, जब तक यही होता है काम, तो इसी तरह से होता है कि जब तक ये हो रहा है ये कर लेते हैं एक ही काम। और ये आज जो फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग खड़ी हुई है, टूटी हुई है, आप सबको तो दिख ही रहा है कि टूटी हुई है, इससे आज भेजनी है, ये विदा करनी है, ये कोई आए कबाड़ी वाला तो ये। और बहुत गंद मचा रही हूँ इस तरह से मैं, जैसे कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना ध्यान नहीं रह रहा बिल्कुल भी, तो आप सबसे ना अब मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ और आराम से चूल्हा पोत के साफ कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है जी। फ़ोन भी देखो कैसे कैसे बंद करना पड़ेगा मुझे। तो चूल्हा तो गया हमारा, पुत और पोचा मार देते हैं यहाँ से, ये पूरा साफ कर देते हैं क्योंकि खाना भी बनाना होता है यहाँ पे। और आज मैं पानी नहीं मारूंगी, नहीं तो एक बाल्टी पानी लगा देती थी, देखिए साफ हो जाएगा इसी तरह से और सारे में। आज की वीडियो मेरी स्पेशली बनेगी, आप भी देखोगे मैं कैसे कैसे उल्टे सीधे काम करती हूँ। और वही यहाँ पानी मारना ही पड़ेगा, एक बाल्टी अच्छे से साफ हो जाएगा। और ये मेरी मिट्टी भीगी रखी है, बाद में देखूँगी। अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ धो के, ठीक है जी। बाल्टी भी भर चुकी है मेरी और हाथ गीले हैं, बंद करना पड़ेगा। मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि नीचे जाऊँ, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा, काम है। और आटा वाटा लगा के ऊपर ही आऊँगी, चूल्हे पे रोटी बनाऊँगी
और बहुत सारे बहन भाई मेरे मतलब जाने वाले, एक मेरी बुआ है वो बोलती है कि इतनी तू मतलब इतना गवार बना क्यों दिखाती है। तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिर्फ इस तरह से रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सारी सुविधा भी अच्छी लगती है ऐसा नहीं, पर कभी कभी होना चाहिए हर तरह से। जो हमने ज़िंदगी जी है वो इच्छा होती है अंदर से कि हमने वो चूल्हे वाली रोटियां खाई हैं बचपन में, मन करता है। हाँ यहाँ बहुत टाइम हो गया मुझे, यहाँ आए 18 साल हो गए, तो 18 साल में भी इतना, 18 साल तो शायद मैं अपने मायके में भी नहीं रही हूँ, तो इतना टाइम मतलब वो ही मतलब वो तो फिर बचपन भी होता है और कुछ समझ भी नहीं पाते हैं कुछ टाइम तक, पर फिर भी मुझे वो जो हम बचपन में हमारे दिमाग में होता है ना, चूल्हे की रोटी, छाए, चटनी, मुझे बहुत पसंद है। सभी को पता है कि मेरी फैमिली को सभी को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि नीचे जाने का मन नहीं हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी, और वो गाँव वाली फीलिंग आती है छत पे, खुला खुला सा, अंदर जाके बंद हो जाएंगे अब मैं नीचे ही जाऊँगी, और ये मेरे ऊपर पानी की बाल्टी भर के ला रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ, तो कपड़े दिखाऊं, कपड़े सुखा दिए मैंने, और पागल जैसा हाल हो रखा है मेरा बिल्कुल, और छत पूरी गीली गीली हो रखी है, छत तो हो ही जाती है गीली, ये देखो। और मैंने गिलास क्यों रखे हुए हैं, चाय, चाय भी पिए, और बाल बिखरे पड़े, बाल निकालूंगी घर जा अभी घर जाके या नीचे जाके, और कपड़े सुखा के तब बैठी थी। अब चलते हैं, बैठने से तो काम चलेगा नहीं, काम करने से ही काम चलेगा। सरप वगैरह उठा लेते हैं हम अपना, समेट के चलते हैं। तो भाई मैं तो आ गई नीचे, और नीचे बर्तन वर्तन तो सब साफ कर दिए, बस दोबारा से कपड़ा मारना है किचन में, और दवाई मैं आप सबको दिखाऊं, दवाई भी लेनी पड़ती है मुझे, और बीपी की है, जब वो सर में प्रॉब्लम थी मैंने आप सबको बताया था, ये देखिए इतना सारा गट है, और ये सब मेरी दवाई ही रखी हुई है, देसी दवाई है, और आराम तो है मुझे, काफ़ी आराम है। दुकान खुली हुई है पूरी, और बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, तो क्या शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ। तो मैं आटा लगा लेती हूँ, पर फिर रोटी बना के आएंगे। अगर वीडियो बड़ी हो गई होगी तो हम और शूट नहीं करेंगे, और अगर नहीं हुई होगी तो शूट करेंगे। और हम मैं फिर से लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो किस तरह की वीडियो चाहिए मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि दिशु फ़ोन बंद करो बेटा, दिशु का पेपर है कल, आज नहीं था, और लाइट अंदर की भी जला लेते हैं। तो दिशु का पेपर है कल, आज का उसका पेपर नहीं था, तो वो आज घर पे ही है, और हालत हो गई है ऐसी, और बाल बिखरे बिखरे से। और फिर आप सब से मैं वही बात कर रही थी कि कमेंट मुझे कमेंट करके बताओ किस तरह की वीडियो बनाऊं, बाहर की भी वीडियो बनाती हूँ, वो भी मुझे नहीं लगता कि सूट हो कि सही चलती है, बाहर से भी कोई वीडियो सूट करो, क्योंकि ये बाथरूम में नहा रहे हैं तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, और इनके ही तो आप जिस तरह से भी आप सबको वीडियो पसंद हो। ये टॉवल हमारी किचन की है, किचन में ले जाते हैं, और दाने दाने आप देख सकते हो, मुझे मेरे फेस पर बहुत दाने हो गए हैं। एक तो मन कर रहा है कि फेसियल करा के देख लूं, फेसियल देखते हैं। और दिशु हेलो बोल दो, बोलोगे, सो के उठाए दिशु, हेलो बोलो, ये देखो हेलो। तो वीडियो बड़ी हो गई होगी, क्योंकि वीडियो हम सूट ही कर रहे हैं, और देखते हैं रोटी बनाते हुए भी, अगर चाहें तो वीडियो तो कितना बन जाए, लेकिन हम आप सबके लिए अलग से ही सूट करने का मतलब आराम से ही सोचते हैं ठंडे से दिमाग से क्या बनाएं, लेकिन अब मैं यूं ही सूट किया करूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। अरे ये हमारे पापा ही पता नहीं है कैसे नीचे हो गए यार, ये करना पड़ेगा, फैंसी लाइट है। तो मिलते हैं आप सभी से, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। अगर वीडियो कुछ रह रहा होगा तो थोड़ा सूट कर लेंगे खाना बनाते हुए, और फिर से बोलूँगी बता दो प्लीज़ किस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद है, क्योंकि वीडियो मेरे खून में कमी हो रही है व्यूज़ की बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो मैं कितनी दुबली पतली हो गई हूँ एकदम से। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सब देख सकते हो घी डाल दिया है देसी, और तेल ख़त्म हो रखा है चूल्हे पे बनाती, और कढ़ाई हमारी देखो कैसे जल रही है, और मिर्च और टमाटर लेट हो गया क्योंकि
सिंपल सा यही, जब भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब हम लेट हो रहे हैं तो यही सब्जी समझ में आती है कि ये फटाफट, और मुझे कहीं जाना भी है, ये तो पापा बताएंगे तेरे कि पक्का ले जाना है, या तेरे पापा अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब उनका मन करे ना कह तो रहे हैं चलोगे ना, विचार ही नहीं चलना है तो बता दो फिर, मैं फटाफट ही जल्दी कर रही हूँ। और आप लोग जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, पर्सनल काम है थोड़ा, तो हो सकता है सूट भी कर भी लूँ और नहीं भी पक्का नहीं पता, धनिया डाल लेती हूँ मैं इसमें और फिर चलते हैं आप सबके साथ, बस इतना ही शेयर करेंगे, बस इसे फटाफट बना लेते हैं और फिर ऊपर मिलते हैं, मैं आटा लगा लेती हूँ, ऊपर मिलते हैं आप सबसे। हाँ दवाई लेने जा रहे हैं, ये धनिया डाल दिया है मैंने इसमें, धनिया भी ऐड कर दिया और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में, अभी ऊपर चूल्हे पर मिलेंगे, अब ये बना लेती हूँ बस और आटा लगा लेती हूँ। तो दिखाते हैं आज हम आप सबको आँच हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक मेरी बहन ने पूछा था कि आप मिट्टी का वो कहाँ से लाते हो, मिट्टी का तेल, और वो बहन और कोई नहीं पर्सनल नाम ले लूँगी, नाम ले लेती पर अब ले लूँगी, याद आ गया मुझे, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आप तेल कहाँ से लेके आते हो, तो तेल नहीं हम इस तरह से जलाएंगे, और अभी तो ये सूखा भी नहीं है, जब मैं पोत के गई हूँ ना तो सूखा भी नहीं है, और सब्जी बन चुकी है, एक पीपनी सब्जी बनी है वो ही हो जाएगी, क्योंकि वो तो चटनी है, सब्जी क्या चटनी की तरह की है, ये देखिए, और देखना ये कितनी अच्छी आँच हो जाएगी, आज ना हो तो पता नहीं, इसी तरह से बनाती हूँ मैं, और इतनी अच्छी एक्सपर्ट मैं भी नहीं, मुझे भी बहुत टाइम बाद मतलब चूल्हे पे मौका मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हम तो रोज़ ही बना रहे हैं, पसंद तो है, बस लाने का था कि भाई उपले कहाँ से लाएं, भला वो बेचारे का जिन्होंने उपले दिए हमें, सारी परेशानी उपलों की होती है, और अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छी आँच बन जाएगी, दिसू बड़ी हो जाएगी वीडियो, ये देखिए आँच अपने आप ही पकड़ लेगी, ये मैं आपको आँच दिखा रही हूँ जो हो रही है, मैंने उपला लगा दिया इस तरह से, बहुत अच्छी आँच बल जाएगी अभी, क्योंकि उपले भी हमारे यहाँ इस तरह के होते हैं, और ये देखिए आटा तो लगा के आई गई हूँ और हिमांशी लेके आ गई है, ये चावल थे, चावल रखे हुए थे, चावल है सच बताऊँ तो रात के हैं ये, अब के नहीं है, चटनी बना के लाई हूँ, और ये है टमाटर प्याज की सब्जी, सब्जी क्या चटनी बोलते हैं हम तो सब्जी बोलते हैं, और घी है, ये लेके आई हिमांशी, और ये सब मैं ले आई थी चपाती बॉक्स और आटा लगा के, और अभी थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये आँच हमारी बलेगी, ये देखिए आँच आराम आराम से बलेगी, जब तक आँच होगी और जब तक हम बैठ जाते हैं वेट करते हैं हम आँच का, आँच धुआं हो गया है, और रोटी मतलब रोटी सेकने लायक आँच हो जाएगी, वो जो बनाते हैं उनको पता है चूल्हे पर कि किस तरह की आँच चाहिए, दीसू खेल रहा है और हिमांशी खाने की तैयारी कर रही है, चद्दर बिछा रही है, आ गई है हिमांशी भी, तभी बनाया है खाना, तभी शुरू किया है, तो मिलते हैं आप सभी से अभी थोड़ी देर में, ये आँच हो गई है हमारी खूब अच्छे से, तो आ जाओ आप सब भी चूल्हे की रोटी खाने, और खाना मैंने आपको दिखाई दिया क्या क्या खाना है, और एक बात का इन सबको आज ही पता चला है कि मेरे फेस पे दाग हो रहे हैं, और मैं काफ़ी टाइम से मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, पता नहीं क्या हुआ मेरे फेस पे, कभी दाग नहीं थे, कभी थे दाग, अभी हुए ना, हाँ तो तुम बताओ तो बताओ थे क्या कभी दाग, कभी दाग नहीं थे फेस पे, और बहुत क्लीन था सब बोलते थे, पता नहीं, और कभी झाई नहीं पड़ी, और अब ऐसे हो रहा है जैसे झाई पड़ गई हूँ कुछ टाइम से ना, मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है, एक डेढ़ महीने से, और ये क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सब भी बताना मुझे, ज़रूर बताना कमेंट करके क्या प्रॉब्लम हो गई है मुझे, और ये वीडियो लड़की को बनाने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अभी आँच हुई नहीं है, रोटी सेकने लायक अभी यहीं रख रही हूँ, तो आप सबको रोटी सेक के भी दिखाएंगे अभी, ये दिशो मान जा मान जा मान जा,
हम तो पागल हो गए। देख लो जी, वीडियो ना बना दे रहे, रोटी सिख चुकी है, आप आ जाओ, सब खा रहे हैं। रोटी मैं बताऊंगी इस तरह से, जो मतलब चूल्हे पे बहुत सारी भाई बहन है मेरे जिन्होंने चूल्हे पे चूल्हे की रोटी नहीं खाई है, तो इस तरह से सीखती है, देख लीजिए। और अब जैसे वीडियो बननी शुरू होती है ना, मेरे भी ना अभी भी मैं शायद फेस नहीं कर पाती, कैमरा फेस करने में मुझे प्रॉब्लम हो गया शायद, तो इस तरह से। वो सबने खा लिया है खाना, वैसा मैं बंद करूँगी, ये आटा मुझे उठा के रखना पड़ेगा, सब सीख गए हैं, मेरी भी रोटी बन गई है, तो आप सबसे मिलते हैं बाद में। इस तरह से सीखती है।